पंजाब पुलिस में काशिफ साहब वाहिद पुलिस ऑफिसर है जिनकी हाइट सबसे छोटी है। सबसे पहले 2006 में जब मैं गया हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, तो सबसे पहला जो कंट्री था वो था साउथ अफ्रीका, उसके बाद 2007 में सर पोलैंड, यूरोप, उसके बाद ईरान, फिर साउथ कोरिया, फिर मेक्सिको, और फिर उसके बाद सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार मैंने कनाडा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, गोल्ड मेडल लिया मैंने, पहली ही नेशनल में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ही मैंने गोल्ड मेडल लिया। काशिफ साहब कभी खेलते हुए आपको चोट ऐसी लगी हो और आपको अभी तक याद हो कि ये मुझे उसने पंच किया था या ये उसने मुझे मारा था, इस तरह से कभी ऐसा हुआ कोई किक लगी हो आपको? छोटी हाइट वाले का कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि छोटी हाइट वाले ज्यादा तेज होते हैं। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, महकमे पुलिस का कौमी और बैन-उल-अक़वामी सतह पर खेलों में हमेशा अहम किरदार रहा है। पंजाब पुलिस के जवानों ने दुनिया भर में अपने डिपार्टमेंट और मुल्क का नाम रोशन किया है। एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के स्टूडियो में मौजूद है, कराटे चैंपियन काशिफ अली। आइए उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, शुक्रिया आपने इनवाइट किया हमें। काशिफ साहब, कैसा रहा आपका कामयाबियों का सफ़र, कैसे आपने ये सफ़र तय किया, इसके बारे में बताइए हमें। सर, कराटे जो था वो मेरे वालद साहब और मेरी वालदा का शौक था कि हमारा बच्चा एक फाइटर बने और खेलों में जाए। तो 10th क्लास में था, 9th-10th में था, तो मेरे वालद साहब ने मुझे चुपोजी में लाहौर में ही कराटे क्लब था, शहीन कराटे सेंटर, वहाँ पर दाखला कराया। तो वहाँ पर फिर मैंने कराटे स्टार्ट की सर 1992 में। तो फिर वहाँ से चलते 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 जैसे डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, फिर पंजाब, फिर नेशनल, और फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो सबसे पहली जो फर्स्ट नेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी 1996 में कराची में हुई, जिसमें मैं पंजाब की टीम में सेलेक्ट हुआ और पंजाब की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की कराची में। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? सर मैं 10th क्लास में था, 17 साल एज थी मेरी। तो गोल्ड मेडल लिया मैंने, पहली ही नेशनल में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ही मैंने गोल्ड मेडल लिया, जिस पर गवर्नर पंजाब थे ख्वाजा तारक रहीम साहब, उन्होंने उस वक्त 1000 रुपया मेरा स्कॉलरशिप लगाया 1 साल के लिए। अच्छा, उसके बाद 97 में फिर दोबारा नेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई, फिर मैंने पंजाब की टीम में ट्रायल दिए, सिलेक्ट हुआ, और वो लाहौर में हुई थी, उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया। फिर 98 में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ही नेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई सर, तो उसमें भी मैंने गोल्ड, यानी टोटल मैंने 7 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप में पंजाब की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया। तो 99 में सरगोधा नेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई, तो मैं पंजाब की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था, तो मेरे साथ फाइनल में वापटा का लड़का था, तो हमारा कंपटीशन हुआ था, तो उस वक्त मैं हार गया था, यानी सेकंड आया था मैं। तो वापटा वालों ने फिर मुझे अपनी जॉब की ऑफ़र की कि आप हमारे वापटा की तरफ से आप खेला करें, हम आपको नौकरी देते हैं। ठीक है। फिर मैंने सर 2 साल मैंने वापटा डिपार्टमेंट की तरफ से खेला अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर भी मैंने अपने वेट कैटेगरी में। ज्वाइन किया आपने वो पुलिस को? सर मैंने 2002 में अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, वो वैकेंसी आई थी स्पोर्ट्स बेस पे, तो पुलिस के एक टीम के कोच थे राणा मोहम्मद हसन साहब, इंस्पेक्टर हैं वो, उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप पंजाब पुलिस की तरफ से आ जाएं, हम आपको नौकरी देते हैं। तो मैंने उनसे जब कहा कि सर हाइट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उन्होंने कहा आप आ जाएं। हम हाइट की आपने बात की, नाज़रीन को बताता चलो, नाज़रीन आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस में काशिफ साहब वाहिद पुलिस ऑफिसर है जिनकी हाइट सबसे छोटी है। काशिफ साहब, पंजाब पुलिस में जो हाइट ली जाती है 5'7" ऑलमोस्ट, तो आपकी हाइट 5'4" है, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सर मुमकिन कैसे, वो जब मैंने अपने कोच से बात की, अपने पुलिस के कोच से कि सर मेरी हाइट का प्रॉब्लम होगा तो मैं तो आ जाता हूँ, उन्होंने कहा आप आ जाएं, हम अफसरान से बात कर लेते हैं अफसर से। ठीक है। वो फिर हम पुलिस लाइन किला गुजर सिंह गए, मैं गया तो वहाँ पर चौधरी यकूब साहब थे डीआई साहब और खान बेग साहब थे डिशनाई साहब, ये बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे लड़का नेशनल चैम्पियनशिप पे पंजाब की तरफ से भी है और वापटा में ऑलरेडी हाजिर सर्विस है, 2 साल से वापटा की तरफ से खेल रहा है, तो ये वापटा छोड़ के पुलिस में आना चाहता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इसकी हाइट है और स्पोर्ट्स बेस में एक या
वन एंड हाफ रह दे सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो इसकी 3 इंच कम है। तो चौधरी शकूर साहब खुद भी स्पोर्ट्स मैन थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार लड़का प्लेयर है, उन्होंने कहा सर बिल्कुल प्लेयर है, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आई जी साहब से बात करता हूँ, ठीक है आई जी पंजाब से एक ऐसे ऐसे एक लड़का है उसकी हाइट जरा काफ़ी छोटी है, तो हम अगर स्पोर्ट्स बेस पे भी उसको रैत दें तो हम 1 इंच या 1.5 इंच उसकी है कर सकते हैं उसकी हेल्प, तो 3 इंच के लिए तो फिर देखते हैं आई साहब क्या कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई साहब ने अप्रूवल दे दी। तो इसका जवाब फिर आपने 2004 में दिया, फिर हाँ, जब नेशनल गेम्स मुनक्किद की गई उस वक्त आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया, इसके अलावा आप दूसरे ममालिक में भी गए, उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से ममालिक को आपने विजिट किया, वहाँ पे आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सबसे पहले 2006 में जब मैं गया हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, तो सबसे पहला जो कंट्री था वो था साउथ अफ्रीका, राइट। उसके बाद 2007 में सर पोलैंड, यूरोप, उसके बाद ईरान, फिर साउथ कोरिया, फिर मैक्सिको, और फिर उसके बाद सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार मैंने कनाडा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। काशिफ साहब पहले होता था कि हर ग्राउंड्स में कराटे की जो क्लासेस हुआ करती थी, बाहर लोग निकलते थे, बच्चे सीखते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, क्या वजह है? आजकल जो बच्चे हैं ना वो इस सब ध्यान बहुत कम दे रहे हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल कर लें उसमें लग गए, पेरेंट्स भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे। जब हम लोग कराटे शुरू करते थे तो जब जा रहे होते थे ग्राउंड पार्कों में हम देखते थे कि लोग कोई ना कोई एक्टिव कर रहे होते थे, जैसे मार्शल आर्ट है, जिमनास्टिक है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई ना कोई गेम में लोग लगे होते, रश होता था। काशिफ साहब कभी खेलते हुए आपको चोट ऐसी लगी हो और आपको अभी तक याद हो कि ये मुझे उसने पंच किया था या ये उसने मुझे मारा था, इस तरह से कभी ऐसा हुआ, कोई किक लगी हो आपको? नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही थी कराची में ही, तो वहाँ पर एक प्लेयर था हमारा, उसने पंच मारा था इधर दांतों पे, तो हल्के से अभी भी दांत टूटे। अच्छा, ये वो निशानी है, ये उसकी निशानी अच्छा, अभी तक मिली हुई है। तो उसके बाद फिर आप जब मुलाकात करते हैं एक दूसरे से, फ्रेंडली मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, और बल्कि ग्रज तो नहीं होता कोई? नहीं नहीं सर, वो जो दूसरे हमारे डिपार्टमेंट के या दूसरे सूबों के होते हैं वो कहते हैं यार पुलिस वाले जबरदस्त, आप लोग स्पोर्ट्स मैन है। और तो कभी ऐसा आप पे एक वक्त आया हो कि आप हार गए और आप कहें बस अब मैं नहीं खेलूंगा, दिल बर्दाश्त हो गए, आप दिल हार बैठे हैं? 2003 की बात है, 2003 की बात है सर, अपना वो पुलिस रैंक के लिए कुछ इंटर यूनिट कराटे चैंपियनशिप होता है हमारा, इंटर रेंज जिसे कहते हैं हम लोग, तो गुजरांवाली रेंज का एक हमारा जवान था, बहुत ज़बरदस्त था, और उसके साथ मेरी फाइट आई, तो माशाल्लाह उसकी हाइट थी जो वो 6 फुट के लगभग थी, और वो लीड का जवान था, प्रॉपर कराटे नहीं करता था लेकिन उसने एज ए ट्रेनिंग सेंटर में उसने कराटे की हुई थी, तो उसने जब मारी ना किकें, अच्छा, तो फिर मैंने कहा यार बस करो बस करें, बस लग गई इसमें छोटी हाइट वाले का कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो छोटी हाइट वाले ज्यादा तेज होते हैं। ये था हमारा आज का मॉर्निंग शो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।